हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका और सिंपल सरल किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चकली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये मैं चावल के आटे और बेसन से बनाऊंगी, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और काफ़ी क्रिस्पी भी बनेगी। तो मैं आपको तोड़ करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है, और मैं आपको इसे खा करके बता देती हूँ। तो चलिए आज की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है, और इसमें हम डालेंगे 1 कप चावल का आटा, 1 कप ही लेना है, और 1/2 कप इसमें डालेंगे बेसन, तो फाइन वाला बेसन इसमें डालना है। और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब सफ़ेद वाली तिल, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 2 चुटकी हींग डालेंगे। मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/2 चम्मच कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग या 1/2 चम्मच, ज़ीरा डालेंगे 1/2 चम्मच, चाट मसाला डालेंगे 1/2 चम्मच, या फिर अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं 1/2 चम्मच। लेंगे थोड़ा सा गर्म पानी, और लगभग ये मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम ही लिया है, और थोड़ा थोड़ा इसको मिक्स करेंगे। तो ध्यान रखिए गर्म पानी ही लेना है, और 1 कप से थोड़ा सा कम लेना है। अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर देंगे, तो चम्मच की हेल्प से ही करें क्योंकि काफ़ी गर्म है। तो इस तरीके से एक बार मिक्स करने के बाद में इसको हम ढक करके रख देंगे 15 मिनट के करीब। तो ये ढक दिया है हमने, तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। इसको हम चेक कर लेते हैं। आटा हमारा बहुत ही अच्छे से फूल गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको हाथों की हेल्प से अच्छे से इसको मसल करके बिल्कुल चिकना कर लेना है। और अगर आपको लगे थोड़ा सा पानी की ज़रूरत, तो 1 से 2 चम्मच डालें, इससे ज़्यादा ना डालें, वरना जो ये मिक्सचर है वो गीला हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये बाइंड हो गया है, और इस तरीके की कुछ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा गीला होना चाहिए। तो अब इससे हम अपनी चकली बनाएंगे। तो ये चकली मेकर है, और ये चकली वाला इसका जो साँचा है वो वाला है। तो इसमें सबसे पहले हम ऑयल लगा करके इसे अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं, जिससे जो हमने बैटर बनाया हुआ है यानी कि जो भी हमने आटा बनाया है इसका, वो चिपकेगा नहीं इसमें। तो सारी चीज़ों को अच्छे से इसको ग्रीस कर देना है ऑयल से। ये सभी चीज़ों को हमने ग्रीस कर दिया है। अब इसके अंदर इसको डाल देते हैं इस तरीके से, और ये प्लेट को भी हमने ग्रीस कर दिया है। इस पर हम अपनी चकली को निकालेंगे, हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, जिससे ये आटा चिपके नहीं हाथों में। और इस तरीके से इसको हम बना लेंगे थोड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप में, ताकि इसको हम मोल्ड में आसानी से डाल सके। और अच्छे से दबा दबा करके ही इसे फिल करना है, जिससे बीच में एयर ना बने इसमें, वरना जब हम चकली निकालेंगे तो बीच में टूट जाएगी। तो इस तरीके से दबा दबा करके अच्छे से इसे भर लेना है, और दबाते हुए इसका ढक्कन हम बंद कर लेंगे। तो इस तरीके से घुमा घुमा करके ये ढक्कन भी मैंने बंद कर दिया है। तब ये तैयार है चकली बनाने के लिए। तो इस तरीके से हम अपनी चकली बनाएंगे। तो धीरे धीरे प्रेस करते जाना है यानी घुमाते जाना है, और इस तरीके से राउंड शेप में, और बहुत ही आसानी से ये जो चकली है वो बनेगी। इस तरीके से आपको बनाना है, आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं बना रही हूँ। और जो इसका एंड पॉइंट है वो जोड़ देना है, ताकि फ्राई करते समय ये खुले ना। तो इस तरीके से हमें बनाते जाना है सारी चकली को, और ये जो एंड पॉइंट है उसको चिपका देना है। तो इसी तरीके से एक बार में जितनी भी आ पाए आप उतनी चकली बना लीजिए। बहुत ही आसान है इस चकली को बनाना, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी चकली इसमें से निकलेगी। ये देखिए, तो यहाँ पर काफ़ी सारी चकली हमने बना ली है पहले से, और यहाँ पर थोड़ी सी और मैंने बना ली है। तो यहाँ पर तेल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा टुकड़ा डाल करके देखेंगे आटे का, और ये देखिए ऊपर आ गया है, तो बिल्कुल परफेक्ट है ये ऑयल।
निकाल लेते हैं इसको। और इस तरीके से आप कोई भी फ्लैट स्पैचुला ले लें और उससे इस तरीके से डालें, बहुत ही आसान हो जाता है डालना इन चकलियों को ऑयल में। तो इस तरीके से सभी चकली हम इसमें डाल देंगे। तो एक बार में जितनी आ पाए उतनी ही डालिए, ज़्यादा ना डालें। और फ्लेम को हमें लो और मीडियम के बीच में ही रखना है। तो एक साइड से ये हो गए हैं, इन्हें हम पलट देते हैं। और बहुत ही बढ़िया देखिए कलर भी आया है इसमें, तो इन्हें पलट देते हैं और अच्छे से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इनको सेक लेंगे। 4 से 5 मिनट का समय लगता है एक बार की चकली को सिकने में। इनको हम निकाल लेते हैं, बहुत ही अच्छा कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी भी बनी है ये चकली। तो बस इसी तरीके से बाकी बची हुई चकली को भी हम डीप फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने दूसरी वाली भी इसमें डाल दी है और इनको भी हमने पलट दिया है, तो बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन ये भी हो जाएंगे। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ घंटी के बटन को भी दबाइएगा। तो मैं मिलूँगी मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।